बिहार के इलाके में आप मतलब एक हलचल मचा रखे हो सर। अल्लाह का शुक्र सर, जैसे कि अपना जहाँ बिहार में जो फार्म पड़ता है तो ये पूरा हमारे पास खुद का बकरा तो है ही निजी है, और हम तो ये पूरा बकरियों का ये गढ़ है, ये गांव जो पड़ता है ये बकरों का गढ़ है, फेमस एरिया इतना नहीं है। हाँ। तो बहुत से सोचते हैं कि जब मैं अजमेर में जाएगा तो अजमेर से लेंगे, अजमेर पुष्कर और किशनगढ़ उतना जितना नहीं बकरा जिस एरिया में बकरा अंदर मिलता सर, वो तो देखने की चीज़ है सर जो भी है। दोस्तों हम जेडी गोट फार्म पे आए हुए हैं और यहाँ हम देख रहे हैं लगातार हम वीडियो शूट करते आ रहे हैं पूरे सीजन के अंदर, काफ़ी अच्छा ये रिस्पॉन्स है इनका। जेडी भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, और सभी भाई जो भी वीडियो देखे हमारे उनको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी भाइयों को। सर जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। लगातार हम इस सीजन में आपके वीडियो शूट कर रहे हैं, तो रेस्पॉन्स कैसा है सर जी? सबसे पहला चीज तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, आपके माध्यम के हिसाब से मैंने गाड़ी अच्छी खासी का बकरे लोड भी कराया सर, मुंबई से और गुजरात साइड से, केरला तमिलनाडु से, बहुत सब सपोर्ट करे कस्टमर सर, जो एक बार बकरे लेके जा रहे सर बार बार अपने पास में अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, वहीं से बैठ के ऑर्डर भी दे रहे सर। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? एक्सपीरियंस के हिसाब से सर देखा जाए तो सबसे पहला मैं कस्टमर की उनको चॉइस पकड़ता हूँ, उनको बकरे कौन सा, देखो हर स्टेट का बकरा अलग अलग चलता है, बहुत से स्टेट में क्या है उनको कम रेंज का बकरा चाहिए, बहुत स्टेट में महंगा रेंज में चलता है बकरा चलता है, तो इस स्टेट के हिसाब से मैं काम करता हूँ सर। अभी जैसे अपने वैरायटी में पकड़े चलो, जैसे सिरोही अजमेरा गुजरी है सोजत है, ये अपना अजमेर का और ब्यावर साइड का अपना पूरा वैरायटी है सर जी। हाँ ये चीज़ है सर। और पट्टी है बकरे का, पट्टी है बहुत से स्टेट में चलता है 18,000 20,000 22,000 24,000, मुंबई शहर में बोलते हैं कि हमको 70 kg 80 kg 90 100 kg का बकरा चाहिए सर, तो भी 30,000 35,000 40,000 हर रेंज के बकरे हैं। केजी चाहो तो सर 400 रुपये केजी भी है, 450 रुपये केजी भी है, वो बकरे क्वालिटी पे है सर कि बकरे कैसा उसका रेट होना चाहिए, और अपना ज़्यादा करके सर इंशाल्लाह जहाँ तक कि ये चीज़ है कि एक बकरा सामने लाइव में खड़ा हुआ सर, बकरे को खुद देख कर रेट लगाएं कि हमें तो बकरे में कितना जिंदा वेट है, इसे बकरे में वेट 50 kg का, तो कस्टमर ये होना चाहिए कि जानकारी उनको होना चाहिए कि बकरे में 50 kg है या नहीं है, वही हिसाब से रेट लगाएं तो जहाँ तक कि अच्छा रहता है। अभी कांटा और चक्कर नहीं खा सर, गुड़ का पानी है और उन्हें पिला करके सर गाड़ी बकरा लोड करते हैं तो पूरा बकरा बीमार पड़े तो सर कस्टमर को ये लगता है ना कि नहीं ना मैं वेट से लूँगा, तो हमारी इस पर कोई शिकायत नहीं है, अगर वेट से चाहे तो वेट से लें, पट्टी से चाहे तो पट्टी से लें, कस्टमर को ये होना चाहिए कम से कम सामने लाइव में बकरा खड़ा हुआ तो बकरे को देखें कि उसमें 50 kg 60 kg जिंदा वेट है, ये बकरे का वेट क्या है। किसान का तो मांगना 1,00,000 रुपये काम है, 50,000 काम है, अपना फर्ज होता है कि यहाँ से 20,000 लेके जा रहा हूँ तो आगे जाकर स्टेट में मैं पैसा घर से लगा रहा हूँ तो उसमें 22,000 20,000 जगह पे मैं 24,000 25,000 में उसको मैं बेच सकता हूँ नहीं बेच सकता हूँ, जब कस्टमर से 2,000 4,000 नहीं मजदूरी नहीं मिला तो क्या फ़ायदा उनको पैसा लगा के। जेडी भाई आपके पास में 200-250 बकरे अवेलेबल रहते हैं हमेशा? सबसे पहले चीज़ करता हूँ कि अपने पास में बकरे जो होते हैं 200-250-300 हमेशा लाइव में मिलता है, प्लस इसके बाद में जैसे 200-300 बकरा होता है अब कस्टमर चॉइस है कि मैं जेडी भाई के पास जा रहा हूँ, सबसे पहले उनको सुविधा ये होता है कि रहने के लिए सुविधा, खाना पीना सुविधा है कि नहीं है, तो अपने पास पर्सनल ऑफिस है रूम में बनाया हुआ, सबसे अलग चीज़ है, उसका कोई चार्जेस कुछ भी नहीं है, प्लस फार्म पे उनको जो भी है मेरे पास मिलने के लिए मुलाकात करने के लिए 2,000-3,000 खर्चा होता है किराया आने के लिए, बस उनका पॉकेट से वही खर्चा होता है, आने के बाद 200-300 बकरा मैं दिखाता हूँ सपोर्टेड के लिए, हमारा 300 बकरा दिखाने के बाद भी अगर उनको बकरा पसंद नहीं आता चॉइस नहीं आता तो हमारा फ्री फर्ज है कि हमारा जो रिलेशन में या दोस्त है या मित्र है उनका भी बकरा बता देना सर, तो वो हिसाब से कस्टमर बोले कि ना जेडी भाई हमको ये बकरा होना, सामने लाइव में रहते हैं उनको बकरा का बताता हूँ ये पट्टी का ये रेट 18,000 का पट्टी है, 22,000 पट्टी 24,000 पट्टी 16,000 पट्टी जो भी रहा उनके हिसाब से, और मिनिमम कम से हमारा ऑर्डर होता है सर कम से 50 बकरे ऑर्डर लेता हूँ सर, 50 बकरे का ऑर्डर लेता हूँ कम से कम अपनी कैपेसिटी से, बाकी उनकी कैपेसिटी जितना आगे ले सकते हैं सर बकरा, तो मतलब 50 बकरे लेगा तो जो रेट मिनिमम से मिनिमम लगनी है वो लग जाती है? हाँ रेट लग जाता है, इसके लिए सर गाड़ी का जो किराया होता है सर, गाड़ी में 10 बकरे लेके जाएंगे आप तो गाड़ी का किराया वही बनेगा, 50 बकरे लेके जाएंगे सर तो गाड़ी का किराया सेम बनता है, अब 10 बकरे ले 15-20 बकरे लेके जाएंगे सर तो किराया उनको ज़्यादा पड़ेगा, और उनको दो पैसा प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या बोलेगा कि जेडी भाई आपसे बकरा लिया प्रॉफिट नहीं हुआ दो पैसा हुआ, तो कोई ऐसा काम करने से कोई फायदा नहीं है, जहाँ तक इंशाल्लाह चलो उनको पेमेंट कम पड़ते एक दो आदमी को अपने साथ में ज्वाइन कर ले ताकि दो आदमी मिलकर 50 बकरे कल सेल में यहाँ साथ में यहाँ से लेके जा सकते हैं। अगर तेजी से अगर लेना चाहते हैं सर सबसे पहला चीज़ मैं हूँ या कोई भी कोई सा फार्मर हो कस्टमर को ये होना चाहिए कि खुद का कांटा लेके आए सर, खुद का निजी कांटा अपने पास में लाइव में बकरे खड़े हुए सामने में, तो हमारा प्रॉपर साल का 12 महीने काम है सर पट्टी से काम है ज़्यादा करके, और पट्टी से ये काम होता है कि कस्टमर बकरे जब सामने लाइव में खड़े रहते हैं उनको मैं बताता हूँ कि ये पट्टी का इसमें बकरे इतना वेट आएगा बकरों में, आप कस्टमर बोलते हैं नहीं हमको केजी से होना बकरा कि हमको केजी से बताओ रेट क्या रेट है, तो सपोर्ट देखिए उसमें 400 रुपये केजी है 450 भी केजी 350 बकरे पे डिवाइड खुद करता है कि बकरे कैसा है उसका रेट क्या होना चाहिए, तो उनसे मैं बोलता हूँ कि आपको 50 बकरा होना है 100 बकरा, अभी से किसी घर पे चले गए आप अब उनको बोलेंगे कि ये बकरा मेरे को पसंद चॉइस है
अब इसको वेट कर दो। अब किसान 20,000 बकरा 40,000 मांग रहा, तो बकरे मैं तोल तो नहीं सकता हूँ सर, वेट तो नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए कस्टमर को मेरे को ऑर्डर देना पड़ता है। अच्छा। कि हमको मतलब कि 400 बकरे का केजी होना, 450 का होना, या 350 का होना, जो भी होना खुला से उसमें रेट होता है। तो कस्टमर के हिसाब से बोलता है, भाई जान आपको 50 बकरे का चाहिए, तो एक काम करो आप मेरे को ऑर्डर दो। अच्छा। तो अपने हिसाब से बकरा लेकर के आता हूँ फार्म पे, फार्म पे लाने के बाद जो आपको चॉइस होगा चलेगा कि हाँ ये बकरा चलेगा, जो भी 2-4-5 बकरा नहीं चलता तो हम अपना साइड कर लेंगे। इसमें क्या है, साल भर का व्यवहार बना रहता है हमेशा के लिए सर, तो क्योंकि उनको 2 पैसा फायदा होगा तो अपने को बार बार रेगुलर ऑर्डर करते रहेंगे सर। देखो सर, इसमें सारा खेल है विश्वास का खेल है। अच्छा। सामने वाले आते हैं, अपने विश्वास करते हैं, अब विश्वास करके बोलते हैं कि जेडी भाई आप मेरा बकरा अच्छा से बनाओ जिस पर हम 2 पैसा मजदूरी कर लें। तो उनको बोलते हैं सर जी हमारा काम है मिनिमम 12 महीने काम, साल का जो भी होता है पट्टी का काम है, अगर आपको केजी चाहिए तो आप कांटा खुद से आप लेकर के आएँ, आप बकरे को उसमें चेक कर लें कि बकरे में कितना वेट है, तो उससे क्या उनको भी मन भरता है कि हाँ संतोष होता है कि हाँ सही है। मैं बोलता हूँ कि हाँ ये सही है, आप चाहें तो केजी से ले सकते हैं, मैं पट्टी से ले सकते हैं, मैं कांटा खुद से लेकर आएंगे तो जहाँ तक बेहतर होता सर, बहुत बढ़िया रहता है उनके लिए सर। आपके पास नहीं रहता है कांटा, हमारा काम ही नहीं सर, जो भी है मैं तो बताता हूँ कि बकरे 50 किलो जिंदा वेट है, तो सपोर्टर क्यों कांटा घर से लेकर आएंगे या पास से लेकर आएंगे, कैसे मैं मेरे को बोलेंगे मैं एडजस्टमेंट कहीं इधर से करवा भी दूंगा सर। अच्छा, तो अपना करवा सकते हैं सर। तो चलो भाई जेडी भाई अपन देखते हैं आपके बकरे हैं। जी हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको सर, कुर्बानी बकरे भी हैं, बच्चे भी हैं। जेडी भाई इस बार तो क्वालिटी बहुत अच्छी है आपके बकरों की, वजन भी काफ़ी अच्छे हैं, शालिंग है इनकी काफ़ी शानदार है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है कि कस्टमर का देन है सर, जो उनकी चॉइस से काम करता हूँ। और कस्टमर को हमेशा मैं की बात बोलता हूँ कि एक वैरायटी कभी नहीं ले, जैसे इसमें क्या होता है कि अजमेरी है, सुरोही है, गुजरी है, वाइट सोजत है, तो मिक्स वैरायटी में होता है, कस्टमर को होना चाहिए कि बहुत से होते हैं कि नहीं भाई हमको वाइट बकरे करने का, तो वाइट रहता है, फिर कि चॉइस होता है मैं गुजरी बकरे करें, सिरोही करें, अजमेरी करें, बहुत से कस्टमर कैपेसिटी होता है कि नहीं मैं कम रेंज का बकरा कुर्बानी करना चाहते हैं, तो कम रेंज का खिफात में हो जाता है सर बकरे। तो इसके लिए मैं मिक्स वैरायटी में पूरा काम कर रहा हूँ सर, और ये बकरे मैं पूरा लाइव में दिखाता हूँ सर, आपको बताता हूँ मैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बकरे को आप देख सकते हैं सर, सामने ये बकरे है सर, एक नंबर बकरा सर, शाइनिंग गुलाबी कान है सर वाइट बकरे के, वजन सर इसका 95+ है सर, 95+ आएगा सर बकरे का। अच्छा, अच्छा। और प्योर गुलाबी कान सर, एक नंबर बकरे है सर, शाइनिंग अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कुर्बानी करना चाहते हैं मन से उनका इंशाल्लाह। अच्छा, खस्सी है? एक किला, हाँ खस्सी है सर। अच्छा। जी जी, बकरे में अच्छा शाइनिंग है सर, प्लस अपना जैसे ये बकरा हो गया सर, आप देख सकते हैं सर बिल्कुल सर कस्टमर को भी, और ये अपना सिरोही वजन सर उसमें आप आएगा ये 80 केजी दवा सर, 80+ आएगा सर। अच्छा, अच्छा। भारी बकरे हैं सर, बहुत से कस्टमर कम वेट कम चाहिए तो उससे वेट का ही कम है। अच्छा, ये वाला है ना? हाँ 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 हाँ, अभी देख लो जैसे कि आंडुल हो गया, ये अपना आंडुल हो गया, हाँ अभी देख लो सर अपना जैसे गुजरी है, बहुत से को लगता है मैं गुजरी हूँ बकरे का शौकीन होते सर, वीडियो में सर बकरे छोटे लगेंगे आपको। अच्छा, अच्छा। मगर ये बकरे को रियलिटी बता रहा हूँ आपको, सामने लाइव में देखेंगे तो यही बकरा मालूम पड़े कैसा बकरा सर। हाँ, सही है सर, एक वीडियो में जी जी, और एक एक्चुअल में फेस टू फेस देखने लाइव में देखेंगे सर, तो डिफरेंस आ ही जाता है। हाँ, फर्क आ जाता सर। तो ये है कितने टोटल सर जी अपने पास? टोटल सर अपने पास में सब वैरायटी अलग अलग रखते हैं सर, जैसे अभी ये कुर्बानी बकरे लाट का बकरे, अलग भी लाट के बकरे खड़े हुए हैं, वो भी लाट में बकरे लाट में खड़े हुए हैं। मिनिमम कस्टमर आएंगे सर 200-250 बकरा, आराम से 300 बकरा देख लेंगे लाइव में सर। अच्छा, 200-250-300 बकरा एनी टाइम लाइव में देख लेंगे सर। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्वांटिटी जहाँ ज़्यादा होगी और तो उसको खरीदने की चॉइस ज़्यादा मिलेगी। अब सर कस्टमर दूर से आते हैं सर, उनको टाइम नहीं रहता, वो क्या बोलते हैं कि मेरे को आज का आज गाड़ी भराओ, आज का आज गाड़ी भराओ, इसके लिए अपने पास अवेलेबल रखना पड़ता है सर। अभी आए मतलब सेलेक्ट किए कि हमको ये पट्टी का रेंज होना, फेस टू फेस उनको निकाले 30 होना 50 होना 100 होना जो भी होना निकाल दिए, बाई चांस उनके पास में खाइस के हिसाब से 20-30 बकरे कम पड़ रहा है, तो उनको आगे से दिखा के वो भी लेके चले आते हैं सर। तो मतलब अगर अवेलेबल है आपके पास में तो कस्टमर का टाइम भी बचता है। हाँ, और उसको चॉइस भी मिल जाती है अगर अवेलेबल है तो। मैं आपको कस्टमर साहब ने बोला कि बकरे में 95 केजी जिंदा वेट है। हाँ, बराबर ये बकरे में। हाँ, तो ये 95 केजी, तो कस्टमर डॉट लगता है कि नहीं इसमें 80 होगा समथिंग होगा, उनको ऐसा लगता है। तो कांटा अपने खाद से खुद लेकर के आए और कांटा में चेक कर लें, और फिर उस कस्टमर को ये होना चाहिए कि उसी हिसाब से बॉडी का वेट लगाएं ये बकरे में क्या रेट होना चाहिए, और खुद का कांटा अगर होगा हाँ, तो जहाँ तक अच्छा होता सर, सही रहेगा। हाँ, मेरा कांटा तो मुझे विश्वास हाँ, है हाँ, हाँ, न तो हेर फेर हो सकती है, और बहुत संतुष्टि हो जाएगी। बहुत कंप्लेन आ रहा सर जी, बहुत अभी कस्टमर बोल रहे हैं कि यहाँ से मैं 500 केजी बकरे ले गया, आगे जाके 100 केजी 400 केजी हो रहा है, 100 केजी किधर गया पता नहीं पड़ता सर। इसके लिए बोलता है किसी भरोसा करने की जरूरत नहीं है, जो भी सामने। अच्छा, तो जेडी भाई ये अपन कौन सी कैटेगरी वाले बकरे देख रहे हैं भाई?
तो इसमें अपना बहुत से ब्रीडिंग के वास्ते से सेटअप करना चाहते हैं कि अपना फीमेल बच्चे फीमेल से मेल से कम स्टार्ट के लिए अगले साल की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो उनके लिए जी। अच्छा, तो इसमें मेल फीमेल और जो किड्स है वो है? हाँ बकरी वकरी होते हैं ना, बकरी है अपना, खेड़ी हो गया, बच्चे हो गए। अच्छा, अच्छा जी। अभी साइज में देखो, बच्चे साइज में चाहते हैं रेडी करने के लिए। अभी जैसे ये वैरायटी हो गया अपना जी, अगले साल की तैयारी करने के वास्ते। अच्छा, जिंदा वेट 15-20-25-30 सब आता है। 20-25-30 केजी वाले जो किड्स हैं वो अगले साल की तैयारी करने के लिए। अच्छा, हो जाता है। फीमेल भी है? हाँ हाँ, फीमेल भी होता है। क्वालिटी में तो सर इसमें अभी कस्टमर क्या कि बहुत से भी आते बोलते हैं कि मेरे को कम रेंज का बकरा होना, कम रेंज का जैसे 18,000-20,000 के रेंज में बकरे होना, तो इस हिसाब से पट्टी बना के रखता हूँ सर, ताकि उनको आने आते समय को तकलीफ नहीं हो। आपने अपनी कैपेसिटी ऐसा कि कोई चाहते ही 18,000 स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई 20,000 से 22,000 से 24,000 से, तो सारे रेंज के बकरे होते हैं अवेलेबल सर। अभी बकरे भी एक नंबर साइनिंग है सर, इसमें अजमेरा, सुरई है, गुजरी है, सोजत वाइट बकरे है सर, कुर्बानी वास्ते दो दांत के बकरे होते हैं। कुर्बानी का मतलब बकरे सर बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए सर, कहीं पर कट पट कुछ भी नहीं, बकरे में साइनिंग होना चाहिए, तो इन साल उस पर कुर्बानी जायज होती है सर। जहाँ कट पट थोड़ा हो जाएगा तो नहीं चलता सर। और सबसे पहले से मैं ये बोलता हूँ, दो दांत के बकरे होते हैं बिल्कुल फ्रेश होता है, उनके मटन भी थोड़ा टेस्ट होता है सर। अच्छा, हाँ दो दांत के बकरे होते हैं। अभी 6-7-8 दांत जो होते हैं ना बकरे, तो वो लास्ट साइज होता है, वो अपने ये होता है। अच्छा जी जी। और अपना जो एड्रेस जो पड़ता प्रॉपर सर, अपना जो एड्रेस पड़ता है JD गॉड फॉर्म में, अजमेर ब्यावर राजस्थान। अच्छा। प्रॉपर अपना अजमेर में आके कॉल कर सकते हैं, ब्यावर में आके कॉल कर सकते हैं, ब्यावर बस स्टैंड में या ब्यावर रेलवे स्टेशन में या अजमेर रेलवे स्टेशन में, मैं उनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ सर। आप रिसीव कर सकते हैं? हाँ रिसीव, गाड़ी अपने पर्सनल गाड़ी है, उन्हीं के लिए रिसीव करने के लिए वास्ते सर। तो सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।